फिर आप साकिब साहब बोल रहे हैं जी? बोलिए, आप कहाँ से फरमा रहे हैं? आप बात बताइए, क्या बात है? मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं क्या? जी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मैं मुंबई से अर्ज कर रहा हूँ, शब्बीर नाम मेरा। मुंबई से जी। जी बताइए। मैं ये पूछ रहा था कि अभी सोशल मीडिया पे एक लेटर पेड आपके नाम का जो है गर्दिश कर रहा, क्या वो आप ही ने लिखवाया है? जी बताइए। तो क्या मैटर है उसका? उसमें सब जाहिर है, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। तो मुनाजरा वाकई मतलब तय हुआ था क्या वहाँ पे? जी मुनाजरा तय हुआ था। किन किन के साथ? जी अपना पूरा मुकम्मल तारुफ कराइए आप। मेरा नाम शब्बीर अहमद है, मैं मुंबई में रहता हूँ जी। किस जगह पे? मुंबई में, क्या बोलते हैं कि गोरेगांव में। हाँ, किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? मसलक अहले सुन्नत व जमात से। जी जी बताइए। तो मैं ये बोल रहा था कि वो मतलब जो मुनाजरा हुआ था, एक आप मुनाजिर थे और दूसरा कौन मुनाजिर था? उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, मुनाजरा हुआ ही नहीं है और डिक्लेयर भी नहीं किया था उन लोगों ने। अच्छा, तो फिर वहाँ पे जो लेटर पेड पे लिखा हुआ है तो फिर वो लोग बुला रहे हैं इतने आदमी को, तो फिर क्या मतलब उसका? कहाँ लिखा है बुला रहे हैं? मेरे सामने लेटर पैड है, उसमें लिखा हुआ है ना कि पुलिस से निवेदन किया जा रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के लोग जो हैं लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ लिखा है ना ये, और इतने लोग जमा हो जाएंगे तो फिर हंगामा होगा। तो जब मुनाजरा हुआ ही नहीं है और फिर मुनाजिर का नाम भी तय नहीं हुआ है तो फिर हंगामा कैसे होगा? इसी हमारे जिम्मेदार साहब से बात की। हेलो जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? आपका नाम? कोई भी नाम हो आप तो बात कीजिए, क्या काम है? कैसा फोन लगाया था आपने, कैसे ऐड किया? मैं ये लेटर पेड के ताल्लुक से मतलब पूछ रहा था। क्या पूछ रहे थे? लेटर पेड के ताल्लुक से पूछ रहा था कि मतलब मुनाजरा किन से तय हुआ था और मतलब ये जो गर्दिश हो रही किया जा रहा है इसको लेटर पेड के सोशल मीडिया पे, तो मैं थोड़ी इसकी तफ्तीश चाह रहा था कि मतलब क्या मैटर है इसका। कुछ भी मैटर नहीं, मुनाजरा तय हुआ था 25 तारीख का। अच्छा। हाँ अभी हुआ नहीं है, ये तय हुआ था कि 25 तारीख को मुनाजरा होगा। ठीक है ना, और उसमें 20-20 अफराद तय हुए थे। अच्छा अच्छा, दोनों तरफ से 20-20 अफराद होंगे। जी लेकिन मुखालिफ की तरफ से, बरेलियों की तरफ से जो है पूरे मस्जिदों में ऐलान करके हंगामा करवाया गया, फिर उसके बाद ये हुआ सारा। हंगामा करवा दिया गया? हाँ हंगामा करवा दिया गया, लेकिन लेटर पेड पे तो लिखा हुआ है कि वो लोग जमा कर रहे हैं, हंगामा होगा। साफ साफ जाहिर करें, बस हो गया है? आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ जाहिर करें। उस पे तो लिख, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हंगामा कर दिया, फिर लेटर पैड पे लिखा हुआ है कि हंगामा होगा। लेटर पैड अपने सामने रखिए, उसमें कहाँ पर लिखा है कर दिया है, कर दिया कहाँ पर लिखा? अभी जो जिससे आपने बात करवाया वो बोल रहे हैं भाई। कोई नहीं कह रहा है कर दिया है। अरे उन्होंने कहा कि हंगामा कर दिया उन लोगों ने। कर दिया कहाँ कहा है, नहीं कहा है मेरे पास, अभी कहा उन्होंने। आपकी बात मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रही है भाई, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ बोलिए। उन्होंने कहा कि बरेलवियों ने हंगामा कर दिया मस्जिदों में। क्या कहा वो बात खत्म कीजिए, आपके पास लेटर पैड है पढ़ के सुनाइए। हाँ लेटर पैड पढ़ के सुनाता हूँ, एक मिनट। लेटर पैड पे लिखा हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी को दी गई थी, मतलब कोई लेटर पैड आप लोगों ने दिया था बहरहाल, लेकिन उनके बावजूद आप इस मसले में कुछ नहीं जानते हैं। मुल्हार में ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी से रابطہ कायम कीजिए, वो पूरी तफ्तीश। लेकिन उसके बावजूद भी नियमों को तोड़ते हुए पूरे जिलों जिले की आवाज को ख्वाजा गरीब नवाज